नहमायाह अध्याय 11 नहमाया की पुस्तक अध्याय 11 यहूदी कहां कहां बस गए। प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि दस में से एक मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बसे जाए और नौ मनुष्य और नगरों में बसे और जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में बास करना चाहा उन सब को लोगों ने आशीर्वाद दिया। उस प्रांत के मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे वे ये हैं, परंतु यहूदा के नगरों में एक एक मनुष्य अपनी निज भूमि में रहता था, अर्थात इस्राएली याजक लेवीय नतीन और सुलेमान के दासों के संतान। यरूशलेम में तो कुछ यहूदी और बिन्यामिनी रहते थे। यहूदियों में से तो एरेस के वंश का अतायाह जो जियाह का पुत्र था, यह जकरियाह का पुत्र, यह अमरियाह का पुत्र, यह शपत्याह का पुत्र, यह महलेल का पुत्र और मासियाह जो बारुक का पुत्र था, यह कोलहोजे का पुत्र, यह हजायाह का पुत्र, यह यदायाह का पुत्र, यह योयारीब का पुत्र, यह जकरियाह का पुत्र और यह शिलोई का पुत्र। पेरेस के वंश के जो यरूशलेम में रहते थे वह सब मिलकर 468 शूरवीर थे और बन्यामिनियों में से सल्लू जो मशुल्लाम का पुत्र था, यह योएद का पुत्र, यह पदायाह का पुत्र, यह कोलायाह का पुत्र, यह मासेयाह का पुत्र, यह इतिएह का पुत्र, यह यशायाह का पुत्र और उसके बाद गब्बै सल्ले जिसके साथ 928 पुरुष थे। इनका रखवाला जिक्री का पुत्र योएल था और हसनुआ का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान का नायब था। फिर याजकों में से योयारीब का पुत्र यदायाह और याकीन और सरायाह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किया का पुत्र था, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहितूप का पुत्र था और इनके 822 भाई जो उस भवन का काम करते थे और अदायाह जो यरोहाम का पुत्र था, यह पलल्याह का पुत्र, यह अस्सी का पुत्र, यह जकरियाह का पुत्र, यह पशहूर का पुत्र, यह मलकियाह का पुत्र और इसके 242 भाई जो पितरों के घरानों के प्रधान थे और अमश्य जो अजरेल का पुत्र था, यह अहजय का पुत्र, यह मशिल्लेमोत का पुत्र, यह इश्मेर का पुत्र और इनके 128 शूरवीर भाई थे और इनका रखवाला हगदोलिम का पुत्र जब्दियल था। फिर लेवियों में से शमायाह जो हशुब का पुत्र था, यह अजरिकाम का पुत्र, यह हुशब्याह का पुत्र, यह पुन्नी का पुत्र था और शबत्तै और योजाबाद का मुख्य लेवियों में से परमेश्वर के भवन के बाहरी काम पर ठहरे थे। मत्तन्याह जो मीका का पुत्र और जब्दी का पोता और आसाप का परपोता था, वह प्रार्थना में धन्यवाद करने वालों का मुख्य मुखिया था और बकबुक क्या अपने भाइयों में दूसरा पद रखता था और अब्दा जो शम्मू का पुत्र और गालाल का पोता और यदुतुन का परपोता था जो लेवीय पवित्र नगर में रहते थे, वह सब मिलकर 284 थे। और अकूब और तलमून नाम द्वारपाल और उनके भाई जो फाटकों के रखवाले थे 172 थे और शेष इसराइली याजक और लेवीय यहूदा के सब नगरों में अपने अपने भाग पर रहते थे और नतीन लोग ओपेल में रहते और नतीनों के ऊपर सिहा और गिशपा ठहराए गए थे और जो लेवीय यरूशलेम में रहकर परमेश्वर के भवन में काम में लगे रहते थे
उनका मुखिया आसाप के वंश के गवैयों में का उज्जी था, जो बानी का पुत्र था। यह हशब्याह का पुत्र, यह मतन्याह का पुत्र और यह हशब्याह का पुत्र था, क्योंकि उनके विषय राजा की आज्ञा थी और गवैयों के प्रति दिन के प्रयोजन के अनुसार ठीक प्रबंध था। और प्रजा के सब काम के लिए मशेजबेल का पुत्र पतह्याह, जो यहूदा के पुत्र जेरह के वंश में था, वह राजा के पास रहता। बच गए गांव और उनके खेत, सो कुछ यहूदी किर्यतरबा और उनके गांव में, कुछ दिबोन और उसके गांव में, कुछ यकत से बेल और उनके गांव में रहते थे। फिर येशु मोलाद, बेतपेलेत, हसरशुआल और बेरशेबा और उसके गांव में, और सिकलग और मकोन और उनके गांव में, एन्निमोन, सोरा, यरमूत, जानोह और अदुल्लाम और उनके गांव में, लाकिश और उनके खेतों में, अजेका और उनके गांव में, वे बेरशेबा से ले हिम्मोन की तराई तक डेरे डाले हुए रहते थे, और बिन्यामनी गेबा से लेकर मिकमश, अय्या और बेतेल और उसके गांव में, अनातोत, नोब, अनन्याह, हासोर, रामा, गित्तैम, हदीद, सबोइम, नबल्लत, लोद, ओनो और कारीगरों की तराई तक रहते थे। और कितने लेवियों के दल यहूदा और बिन्यामिन के प्रांतों में बस गए।